नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर के प्रमुख अंग्रेजी अखबार कश्मीर टाइम्स के श्रीनगर कार्यालय को सोमवार को संपदा विभाग द्वारा सील कर दिए जाने के बाद अखबार की संपादक अनुराधा भसीन ने कहा है कि कश्मीर के बारे में जमीनी हकीकत बताने के लिए मुझे प्रतिशोध का निशाना बनाया गया है। अनुराधा भसीन ने सत्य हिंदी से बातचीत में कहा कि हमें इमारत खाली करने के लिए विभाग द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। विभाग के अधिकारियों ने अचानक आकर कार्यालय को सील कर दिया। भसीन ने कहा, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से स्थिति को प्रतिबिंबित कर रही हूं और खुलकर बोल रही हूं, इसीलिए मुझे बदला लेने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ आज पंजाब की विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया है और मुख्यमंत्री ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 3 विधेयक भी पेश किए हैं। इस दौरान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो इस बात से नहीं डरते हैं कि उनकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी और ना ही इस्तीफा देने से डरते हैं, लेकिन वो किसानों को बर्बाद और परेशान नहीं होने दे सकते हैं। बता दें, केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए पंजाब सरकार इसके खिलाफ राज्य में कानून बनाने जा रही है। पंजाब विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर किसान को MSP से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है तो ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों की आलोचना की गई है। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लोगों से जुड़ने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के साथ व्यापार समझौता करने के लिए भारत सरकार के अंदर समर्थन बढ़ रहा है। इसका कारण है भारत और ताइवान के चीन से बिगड़ते रिश्ते। बता दें, ताइवान भारत से बहुत सालों से ट्रेड डील करने की इच्छा जता रहा है, लेकिन भारत चीन से नहीं उलझना चाहता था और इसलिए उसने डील नहीं की। लेकिन पिछले महीनों से सीमा पर जारी भारत चीन के बीच तनाव के बाद अब स्थिति बदल सकती है। अश्लील वीडियो को सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने को लेकर गोवा के उप मुख्यमंत्री विपक्ष के निशाने पर हैं। हालांकि अब उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने गोवा पुलिस साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि उनका फोन हैक कर लिया गया था और कुछ लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। कावलेकर ने अपनी शिकायत में कहा, इस वीडियो को उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया जहां मैं उसके सदस्यों में से एक हूं और ये जानबूझकर कुछ आपराधिक इरादे से मेरे नाम पर भेजा गया है। ये कथित वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप विलेजेस ऑफ गोवा पर भेजा गया था। उन्होंने बताया, ये वीडियो रात 1:20 पर भेजा गया जब वह सो रहे थे। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का गणित बीजेपी के लिए फायदा दे सकता है, क्योंकि RJD ने अपने ज्यादातर उम्मीदवार JDU के सामने उतारे हैं, जिससे JDU को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। महागठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी RJD इस बार 144 सीटों पर लड़ रही है और उनमें से 177 सीटों पर वो JDU के उम्मीदवारों के सामने है, जिसमें से 115 सीटों पर लड़ रही JDU को लगभग 30% यानी 38 सीटों पर कुछ आसान लड़ाई होगी। वहीं 110 सीटों पर लड़ रही BJP के 51 उम्मीदवारों के सामने RJD के उम्मीदवार हैं, जिससे BJP को 59 सीटों पर कुछ फायदा मिल सकता है। वहीं RJD का कहना है कि BJP को मिल रहा फायदा एक इत्तफाक है, उन्होंने सामाजिक वास्तविकता को देखते हुए टिकट दिए हैं। भारत में एक दिन में 46,791 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 587 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान भारत में एक दिन में 10,32,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। वहीं अब भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 75,97,000 के पार हो गया है और मरने वालों की कुल संख्या 1,15,000 से ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,48,000 के पार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 3 महीनों में पहली बार संक्रमण के नए मामले सबसे कम आए हैं। 23 जुलाई को देश में 50,000 से कम यानी 45,720 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं इससे पहले पिछले 2 दिनों से रोजाना COVID-19 के मामले 60,000 से नीचे आ रहे थे। वहीं COVID-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार 3rd दिन 8 लाख से नीचे बनी हुई है। भारत में फरवरी 2021 तक कम से कम आधी आबादी कोरोना महामारी से संक्रमित हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये अनुमान भारत सरकार की तरफ से बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल का है। पैनल का कहना है कि इतनी बड़ी आबादी के संक्रमित होने से महामारी की रफ्तार थमने में मदद मिलेगी। पैनल के मेंबर और IIT कानपुर के प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हमारे गणितीय मॉडल का आकलन है कि अब तक देश की करीब 30% आबादी संक्रमित हो चुकी है और फरवरी तक यह आंकड़ा 50% तक पहुंच जाएगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,03,48,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,17,000 के पार हो गई है।
वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,03,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 82,13,000 के करीब है और मृतकों की संख्या 2,20,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,50,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,54,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।